अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से रहेंगे। और आज ना बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा चलें आज अपनी ना मुर्गियों का आपको मैं विज़िट भी करवाता हूँ। और हमारी कितनी बड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी अरसा हो गया आपको मैंने अपनी मुर्गियों का दीदार नहीं कराया। तो फ़िलहाल तो आपको मैं जो दीदार कराता हूँ अपनी इस मौसम का, आसमान का, माशाल्लाह क्या आसमान है, बहुत प्यारा आसमान और बहुत प्यारी, ऐसी कितनी प्यारी, ऐसे लगता है जैसे धुंधी धुंधो वैसे ये काले बादल है और मौसम और हल्की हल्की बारिश भी हुई है। ये देखें ये हमारे खुडों का हाल, देखें पानी में कैसे हो जाती है। खैर ये देखें यहाँ खड्डा, खैर ये खड्डा नहीं है, ये तो मैंने खुद किया हुआ, यहाँ से यूँ पानी गिरता है और यहाँ से यूँ निकास बाहर, यहाँ पर पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है। और हमारी मुर्गियों ने माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमारी मुर्गियों ने अंडे भी दिए हुए हैं, एक वो अंडा दिया हुआ है, एक वो अंडा दिया हुआ है। इनको अभी मैं बाहर निकालता हूँ, आ जाओ बाहर। माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी और फ्रेश मुर्गियाँ हैं। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, मैं अपने बतख और जो मेरे घर ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अपने बतखे भी लाया था और जो हमारे वो बतखों ने कैसे टोकरी को हिला रहे हैं, ये देखिए कितना बेताब हो रहे हैं बाहर आने के लिए बतख और चूज़े। और जो चूज़े हैं वो हमारे घर के ब्रीड है जो अभी मैं निकालूंगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चूज़े जो घर के ब्रीड, जो हमने अंडे लिए थे और हमने उनमें से बच्चे निकला, ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। ये मैं आज नीचे से लेकर आया हूँ ऊपर कि मैं क्या, चलो आपको भी इंजॉय कराता हूँ। ये हमारे घर के अंडे हैं, अंडों में से निकले हुए बच्चे हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये वैसे तो मेरे 11 थे, उनमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह काफ़ी हेल्थ। ये देखें बच्चे कितना एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। ये देखिए आ जा बाहर। ये देखें हमारी मुर्गियां कैसे एंजॉय कर रही हैं छत पर इतने प्यारे मौसम में। और अभी मैं आपको ना अपने असील मुर्गों को भी दिखाता हूँ, ये ना अभी ना लड़े ना, मैं जिसकी वजह से मैं निकाल नहीं रहा, मैं थोड़ी देर तक इन्हें भी निकालूंगा। ये देखें इधर ऐसे जैसे चील के बच्चे हो, माशाल्लाह से इनको भी निकालेंगे, इनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा इनको एंजॉय करो, ये असील, ये जो होते हैं ना असील मुर्गे, इन्हें ना देसी मुर्गियों को ना मारते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और ये वाला जो मेरा मुर्गा है ना, ये वाला ये मुर्गा ना फिर भाग जाता है और किसी खुड में छुप जाता है जब हमारा असील मुर्गा घर से अपने घर से निकलता है। इस वाले से कैसे एंजॉय कर रही है हमारी बतखें। ओए ओके क्वैक 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 क्वैक। ये देखिए ओए आजो बाहर, आजो ना यार बाहर, आजो बाहर। ये हमारी मुर्गी आपको दिखाएं, इसकी एक मुर्गी की आंख जाया हो गई थी, माशाल्लाह अभी भी आज भी जिंदा है, उम्मीद नहीं थी मुझे। और मैं इसके ना अभी अंडे निकालता हूँ अंदर जाके, बड़ी गंदगी हो जाती है जब बारिश हो, मेरे ऊपर से कूद के चला गया सारी शर्ट से पानी गिर गया यहाँ से यार, जगह राफे होता ना फटाफट अंडे निकाल आता, और बहुत ज़्यादा गंदगी है अंदर, मैं अपने अंडे उतार उठा के तोड़ ना देंगे। ओह मैं खुडे में तो आ गया, बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो रही है। एक ये अंडा हो गया, ओ भाई फंस गया भाई मैं तो, ये अंडा उठा लेते कैमरे वाले, मोबाइल से अंडा उठा लिया मैंने, हाथ सारे कितने गंदे हो गए, मैंने इसलिए उठा लिए इसमें से अंडे कि ताकि ये तोड़ ना दे। लेकिन बड़ा औखा काम किया भाई, अंडा निकालना कोई आसान बात थी यार। अभी अंडे ना तो ये कबे भी पिछली बार मेरा ना अंडा उठा के चले गए थे, सारी मिट्टी लग गई, शर्ट भी सारी ख़राब हो गई यार। ये देखें जज्बाती फैसले, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, सारी शर्ट ख़राब हो गई है, इसको मैं साफ़ करूँगा फिर ब्लॉग बनाऊँगा। शर्ट तो मैंने तकरीबन अपनी साफ़ कर ली है, पता नहीं अरे जो भी अब जितना हो सकता था मैंने साफ़ कर लिया है। और इस टाइम ना बारिश भी बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ होती जा रही है, इससे पहले कि मेरे मोबाइल को कुछ हो, क्योंकि मैं इस काम में बड़ा सेंसिटिव हूँ कि मेरे मोबाइल के अंदर पानी ना चला जाए, डर लगता है। और माशाल्लाह से हमारी बतखें वगैरह वहाँ इंजॉय कर रही हैं और बारिश में यहाँ मुर्गे वगैरह इंजॉय करें। आओ आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं जो मैंने आपको बताई नहीं है, हमारा एक खुडा ना
यहाँ एक और इसका सामान आ चुका है, ये एक और तैयार होने वाला है, वो फिर जब तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ कैसी कितनी प्यारी हैं, ये घर की ब्रीड है हमारे, और बहुत खुशी होती है इनको देख के। और अभी मैं अपने ना, ये कोई पता नहीं है ये असील वगैरह मारे और ये भाग जाए इसलिए, और इससे पहले कि बारिश तेज़ हो इनको खोल लेते हैं, डर के मारे ना ये भाग जाएंगे। और अपने ना असील मुर्गों असील बच्चों को निकालते हैं भाई, और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह जंगली ऐसे शेर के बच्चे हों जैसे, ये शेर के पिंजरे में देखें माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, ये नर को देखें भाई असील कैसे आ रहे हैं मेरे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह तगड़े हैं काफ़ी। भाई रहा ना, मारना ना मुझे, मारना ना, माशाल्लाह। आजो आजो बाहर आजो, आओ आओ बाहर आओ, ओ शिकारी हो बाहर आ जाओ, माशाल्लाह। ये देखें हमारे वो देसी मुर्गे हैं जो अंडे देते हैं, मुर्गियाँ में इसके देसी मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं। और ये असली रास्ते लगता आ गया, वो मुझे आवाज़ें दे रहा है, आपका बेटा कौन है, कौन है राफे, आपका क्या, और देखे रोने लगे, आ जा आ जा, ये देखें ये नहीं टलता, आ जा आ जा आ जा राफे, आ जा आ जा भाई, साइम तू भी आ जा, तू भी आया साइम, देखे साइम भी आ गया। और ये देखें इनसे छुप के मैं व्लॉग बना रहा था, आखिर ये नहीं देखा, आखिर उनकी परेड शुरू हो गई, राफे ने उनकी परेड शुरू कर दी है। निकालो भाई आराम से, यार राफे आप पहले आते ना, वो ना मुर्गी ने अंडे दिए हुए थे, मेरे अंडे पड़े हैं ना, हाँ पिछली बार भी कौवा खा गया था, इसको भी छुपा देते हैं भाई, आइए भाई निकाल, निकाल भाई निकालो ना, ले ओ ले ओ ले ओ ले ओ, इनको बाहर ऐसे खुटी खुटी करो ना, पकड़ पकड़ के ना लाओ ना, ऐसे खुटी खुटी करके लेके आओ, हाँ इस तरह से जो दरवाजे की तरफ, ताकि खुद ही आएंगे ये बाहर, ले आओ ले आओ, जय साइम देखो ये कैसे बदकों को भगा रहा है, हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई डर रही है बाहर नहीं आ रही, ओह माशाल्लाह, खुटी 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 चल चल चल, और ले आओ ले आओ ले, इनको रास्ता थोड़ा ढपती है फिर नहीं अंदर चले जाते हैं। ये देखिए हमारे कैसे खतरनाक चूजे हो गए माशाल्लाह, मज़ा आ गया देख के, कमाल है यार, ले 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 आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, फिर से अंदर जा रहे हैं, फिर से अंदर चले गए यार, ये बाहर नहीं निकलते हैं यार, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 यूँ जाओ, एक एक करके निकालो, मैं सारे देखूंगा आज, बाहर निकालो बाहर निकालो, हाँ एक एक करके पकड़ के निकालो, राफे आप पे हमला ना कर दें और गिर ना जाना हम नीचे, क्या हुआ, हमारी चीज़ें तो पूरी है ना, एक बिल्ली है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकारी है, वो पकड़ लेते हैं राफे ने, एक और पकड़, आराम से आराम से आराम से छोड़ो भाई, ओ आराम से आराम से आराम, बेटा ख्याल रखना मुर्गा बड़ा तेज़ होता है, डर गया, अच्छा आ जाएगा, हाँ निकाल निकाल, देखिए हमारे असील मुर्गे, ले ले पहले इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ओहो गिर रहे थे सारी, वह कीचड़ हुआ हुआ है, साफ़ करना पड़ेगा कुडाई वाला, हाँ हाँ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, उस साइड पे छोड़ उस साइड पे, हाँ इस साइड पे, इस साइड पे, इनके भाइयों के पास, इसके भाइयों के पास, हाँ ये खुद ही चला जाएगा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, सारे होते हैं असील मुर्गे यहाँ छुप, माशाल्लाह ये देखिए कैसे छुपे हुए, ये अभी तो निकले हैं पाँच, और भी आएंगे अभी, राफे निकल रहा है, बड़ा मुर्गा पकड़ लिया राफे, राफे ने बड़ा मुर्गा पकड़ लिया, ले ले इसको छोड़ ले, ले 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 छोड़ दे ये बात छोड़ दे, ओहो पाँव धो के आ गए, ये फिर से गंदे हो जाएंगे, ये देखिए माशाल्लाह ये भी असील मुर्गी है, खैर ये हमारी बतके वगैरह सारी इंजॉय कर रही हैं, तो ये देखिए कैसे खाना खा रहे हैं, कितने खतरनाक मुर्गे हैं, ओए बाल ले आओ अपने गंजो, कपड़े पहन लो, ओए कपड़े पहन लो अपने, कब पहनोगे कपड़े, ये भी आ गया है, ये देखिए हमारा असील मुर्गा बैठा हुआ, भाग ना जाए, मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ, देखिए कैसे इसने अपना सीना सारा नंगा किया हुआ है, ये देखिए
इन्होंने कपड़े पहने, ओ ये फिर आ गया नीचे, ओ इतना कचरा हो रहा है, इसको साफ करना पड़ेगा। ये देखिए ये मुर्गे हैं, ये मुर्गी है ये वाला, और ये मुर्गा है, इनके ये सारे बच्चे हैं। ये क्या हुआ, कहाँ ले गए, ब्लैक अंदर चले गए, ब्लैक अंदर चली गई। चलो चलो दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ हाँ इसको बाहर निकालो, या फिर से चला गया अंदर कि मैं अपने निकालूंगा। एक बच्चा निकाल रहा हूँ, एक निकालता है दूसरा चला जा रहा है, एक निकालता है दूसरा चला जा रहा है। आगे आगे सारे आगे, सारे आगे, बंद करो बंद करो, ये जा रहा था भाई, तू जा रहा था, तू जा रहा था, बस आप जाके तो दिखा इनको सबको जाने के। चलो 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 बेटा, चलो चलो अपने घर घर कर चलो। और है कोई? हाँ ये आ गए हमारे असील मुर्गे के बच्चे, अभी दो अंडे भी हैं, अंदर भी हैं, वो एक दो अंदर है, सिर्फ एक अंदर है बस। हाँ ये नहीं ऐसी सही है, वो ना आएगा ना मुर्गा बाहर आएगा, वो हमारी सारी मुर्गियों को बतकों को भगा देगा, इसलिए रहने दो यहाँ पर ना हमारे। हाँ मार डालेगा, कैसे कैसे राफे मार डालेगा। नहीं बेटा वो बैठे हुए ना, बैठ रहा अंदर, बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ, इसको साफ करना पड़ेगा ना फिर जाके। कैसे बेटा, मैंने एक निकाला ना, एक निकाला बाहर, ये सारे बाहर, ये अंदर चले जाएंगे, एक ही आएगा बाहर। नहीं नहीं दरवाज़ा नहीं बंद करना, अभी बहुत अंदर कीचड़ हो रहा है यार, अभी रहने दो, पाँव पहले आपके भी ख़राब हुए ना, मेरे भी ख़राब होते। देखो टाइम कैसे मुर्गे, ये वाली अच्छी लगती है, आपने हमारे देखा है मुर्गियाँ हमने रखी हुई हैं अपने हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया इसका? हाँ इसका वो वाला, इसके साथ वाला मर गया था हमारा, राफे इसको कह रहा है कि इसको बताओ इसके साथ वाला दोस्त मर गया। हाँ इसका साथ वाला एक दोस्त मर गया था। और देखिए हमारी माशाल्लाह से बतके, देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं अब, कितनी छोटी सी मैं लाया था। हाँ मेरे पिछले ब्लॉग देखेंगे ना, उसमें आपको देखिए बच्चे लाया था मैं, और ये तो चूज़े थे चार। बात राफे ने ब्लॉग में आपको सबसे पहले ब्लॉग में दिखाया होगा, चार चूज़े थे और माशाल्लाह कितने बड़े हो गए, पाँच हैं, क्योंकि मैं कुछ और लाया था। हाँ राफे, हाँ भाई यही बोल दो, राफे ने डक को पकड़ा हुआ है। लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। अभी कह रहा नहीं जाना, अभी व्लॉग कह रहा नहीं जाना। तो हमारी मुर्गियां हैं इनको हमने पाला है, उसके बाद ये हमें अंडे भी देती हैं। तो हर किसी को चाहिए कि अपनी छत पे मुर्गियां वगैरह पाले, उसके बच्चे भी आएंगे और उसके अंडे भी आएंगे। और अंडों का ये है कि बच्चे से तो ये है कि फिर ओए राफे शोर, शोर कर रहे हो। मुर्गियाँ पालने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमें अंडे भी आएंगे, और अब सर्दियाँ भी आने लगी हैं तो हमें अंडों का भी फ़ायदा होगा, अंडे हमें लेने नहीं पड़ेंगे बाहर से। और बिलफर्ज़ हमारी मुर्गी वगैरह कुड़क भी हो जाती है तो उसके बच्चे आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास, नहीं ये वाला नहीं, सेम शक्ल के कांगे बच्चे, बासिर दो चूजे कांगे, वो ये बैठ, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हमारे घर के हैं। अब ये बड़े हो जाएंगे, ये अंडे भी देंगी, और ये फिर हमारे तादाद भी ज़्यादा होगी मुर्गियों की, और इससे अंडे ज़्यादा हो जाएंगे। और देखेंगे अगर इसको बिजनेस बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है अंडे आएंगे, अंडों फिर हम सेल करेंगे। ये तो शेख चिल्लियों वाला सोच आ रही है मेरे अंदर। खैर फिलहाल बार इससे अगर जिसको शौक़ होता है वो क्या कर रहे हो, अच्छा इसको कवर कर रहे हो, और हाँ जिसको शौक़ होता है वो मुर्गियाँ पालता भी है, उसके अंडे भी रखता है, और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें। अंडों से हमें अंडे खरीदने नहीं पड़ते हैं, सर्दियों में काफ़ी महंगे हो जाते हैं अंडे, तो हमें फ्री ऑन कॉस्ट, और हमें जेनुइन हमें अंडे मिलते हैं देसी, वरना अक्सर देसी जो शॉप से मिलते हैं अक्सर कहते हैं रंग वगैरह लगा के हमें दे देते हैं देसी मुर्गियाँ वगैरह अंडे वगैरह। अक्सर शॉप से लो ना तो हमें डाउट रहता है यार किसी ने रंग लगा के ना हमें अंडे दे दिए इतने महंगे, और ये तो अपने घर के अंडे होते हैं तो हमें मिलेंगे देसी अंडे, हम सर्दियों में खाएंगे। और आने करीब हमारी सर्दियां, जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, अब अगस्त है, तो जैसी बात है अब ठंड की तरफ जाएंगे और अब अंडे भी ज़्यादा आएंगे, गर्मियों में कब आते हैं। तो अपनी हर कोई अपनी छत पर इस तरह का कुछ सेटअप रखे और अंडे भी ले और बच्चे भी ले, और किसी को कुछ हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है मरने से पहले ज़िबा करके बंदा खा भी ले, दावत हो जाती है देसी मुर्गी की।
बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी हो गया। परिंदों को आपको सबका विज़िट करवाया है, देखिए बतके वगैरह कैसे फिर रही हैं। माशाल्लाह से हमारा ये सेटअप है, देख रहे हैं इसको, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे भी। और आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हमारे चैनल अब्दुल बासित भट्टी 7 को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा और सब्सक्राइब लाजमी किया करें हमारे ना चैनल को। प्लीज़ 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 हमारे व्लॉग्स को पूरा देखा करें और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएँ। और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। और अभी के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।